नमस्कार, देशित देख रहे हैं आप। देशित में हम आज दो बड़ी खबरों पर चर्चा करना चाहते हैं। एक खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुए हत्याकांड को लेकर चल रही राजनीति की, अदालती कार्रवाई और जांच की कार्रवाई से जुड़ी, और दूसरी खबर जम्मू कश्मीर में गैर मुस्लिमों पर चुनिंदा इस्लामिक हमले की। दोनों ही खबरों में आम लोगों की, भारत के नागरिकों की, बेगुनाहों की हत्या हुई है, कहीं लिंचिंग तो कहीं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। दोनों ही जगह शोक संतप्त परिवार हैं, लेकिन देश के इन दो राज्यों में हुई हिंसा की घटनाओं की तस्वीरें और सियासत पर गौर करेंगे तो आपको देश में चल रही राजनीति की नब्ज पकड़ में आ जाएगी, तब नेताओं की नैतिकता और राजनीति के उद्देश्य को समझने में मदद मिलेगी। पहले आपको लखीमपुर से जुड़ी तस्वीरें दिखाते हैं हम, क्योंकि वहां बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन का। वहां पीड़ित है कथित किसान परिवार, आरोप है सत्ता पर, और वहां उम्मीद है सियासी नफे की। इसलिए लखीमपुर में राहुल गांधी भी दिखते हैं, प्रियंका गांधी भी, अखिलेश यादव, दूसरे विपक्षी दलों के प्रतिनिधि के दौरे भी शुरू हो जाते हैं। और तो और, पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत चन्नी भी लखीमपुर की माला जपते नजर आते हैं। सबको लखीमपुर जाना है, वहां किसानों को गले लगाते, आंसू पोंछते फोटो निकलवानी है, उसे बिना देर किए सोशल मीडिया पर डालना है, दो एक बयान जारी करने हैं और खुद को जनता का सच्चा हितैषी और राष्ट्रभक्त घोषित करना है। इसकी पूरी कहानी अभी आगे हम आपको बताएंगे। पर अब एक और जो बड़ी घटना हुई है उससे जुड़ी तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। यह घटना कश्मीर की है, जहां गैर मुसलमानों के नरसंहार की फिर से शुरुआत हो गई है। यह मुद्दा एथनिक क्लिंजिंग का है। पीड़ित सिख और हिंदू हैं, आरोप इस्लामिक आतंकवादियों और तालिबान के हमदर्दों पर है, और वहां बड़े सियासी नफे की कोई उम्मीद नहीं दिख रही, इसलिए सन्नाटा सा है। वरना देश के कोने कोने से जो विपक्षी दल के नेता लखीमपुर में मारे गए, चार किसानों के घर पहुंच रहे हैं या पहुंचना चाहते हैं, उनमें से किसी भी नेता के मन में कश्मीर में मारे गए बेगुनाहों के परिवार वालों से कोई संवेदना नहीं दिखती। उन्हें श्रीनगर में सिख परिवार के आंसू नहीं दिखते, लखीमपुर के सिख दिख जाते हैं, श्रीनगर के सिख नहीं दिखते। लखीमपुर की हत्या समझ में आती है, श्रीनगर में इस्लामिक आतंक उन्हें समझ में नहीं आता। बीजेपी शासित राज्यों में दलित दलित होते हैं, वहीं दलित अगर श्रीनगर में पानी पूरी का ठेला लगाता है तो उसे इस्लामिक आतंकवादी गोली मार देते हैं, ये कहकर कि कश्मीर में सिर्फ मुसलमान रहेंगे। तो हमारे देश में दलित चिंतक, नेता और समाज सुधारक समाधि भाव में चले जाते हैं। आज हमारे देश के लोगों को नेताओं की नीति और नैतिकता के इसी दो मुहेपन को समझना जरूरी है, क्योंकि देश की जनता अगर जागरूक हो जाएगी तब ना तो देश विरोधी ताकतें कामयाब हो पाएंगी, ना ही सिर्फ सत्ता और कुर्सी की सियासत रह जाएगी। आपने आज कश्मीर में कत्लेआम की खबरें सुनी होंगी। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में सरकारी स्कूल में घुसकर एक महिला प्रिंसिपल और एक पुरुष टीचर की हत्या कर दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि इस घटना के पीछे द रेजिस्टेंस फोर्स नाम के आतंकी गठबंधन का हाथ है। वैसे दो दिन के अंदर पांच और पांच दिन के अंदर यह सातवीं वारदात है जिसमें आम कश्मीरी मारे गए हैं। गैर मुस्लिमों की हत्या का यह जो नया दौर शुरू किया गया है उसे लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। हम उन सवालों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हुई इस्लामिक आतंकवादी हमले की घटना के बारे में आपको बताते हैं। दो दिन पांच पांच कर निशाने पर कश्मीरी पंडित, सिख, दलित और भाजपाई, और आरोप इस्लामिक आतंकवादियों पर जो कश्मीर का तालिबानीकरण करना चाहते हैं। एक तालिबानी डिजाइन है, तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है। इस सांप को सांप बोलिए, हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझो। मैसेज देते हैं कि वो इन घटनाओं को अंजाम दे, समझो, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। मुझे मारो, मुझे ले जाओ। ये बुजुर्ग महिला पूछती है कि उन लोगों का क्या कसूर था जिन्हें आतंकियों ने स्कूल के अंदर जाकर गोली मारी। सुपेंदर कौर और दीपक चंद तो शिक्षा की रोशनी जलाने वाले टीचर्स थे, उनका पहचान पत्र मांग कर गोली मारने वाले वो आतंकी कौन है?
वो पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं। दो दिन के अंदर कश्मीर में 5 लोगों की हत्या हुई है। सुपिंदर कौर सिख थी, मार डाला गया। दीपक चंद हिंदू थे, मार डाले गए। मक्खन लाल बिंदु हिंदू थे, मार डाले गए। वीरेंद्र पासवान दलित थे, मार डाले गए। मोहम्मद शफी भाजपाई थे, मार डाले गए। कश्मीर में चुन चुन कर गैर मुसलमानों की हत्या को लेकर जम्मू से लेकर श्रीनगर तक आक्रोश भड़का है और उस आक्रोश की एक सशक्त आवाज श्रीनगर में भी सुनाई पड़ी है, जो श्रीनगर में दहशत के पैरोकारों के मुंह पर तमाचे जड़ती। टेररिस्ट कहो, मिलिटेंट नहीं। मिलिटेंट जो होता है वो फौज के खिलाफ लड़ता है। आप लोग टेररिस्ट को टेररिस्ट बोलना तो शुरू कीजिए। सांप को सांप कहो, इस सांप को सांप बोलिए। सब जवाबदेही पुलिस की नहीं। पुलिस क्या मैकेनिज्म देख रही है? लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म पुलिस से पूछिए आप कि इंटेलिजेंस इनपुट्स अगर हैं ये क्यों हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं। अब सड़क पर सन्नाटा की। अगर माशरती तौर हम खड़ा नहीं होंगे आज और कौन होगा? वी शुड ऑल कम ऑन द स्ट्रीट्स। जुनैद के सवाल कश्मीर के उन नेताओं के लिए हैं, खुद को कश्मीरियों का मालिक समझने वालों के लिए हैं, जो आतंकी के मारे जाने पर पूरा कश्मीर जलाने लगते हैं लेकिन आम कश्मीरियों के कत्ल पर केंद्र सरकार को चिढ़ाते नजर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मंसूबे में कश्मीर का तालिबानीकरण करना, कश्मीर से गैर मुसलमानों का खात्मा करना। एक तालिबानी डिजाइन है। कुछ ऐसे जो इन्फॉर्मर्स हैं वो आज भी वहां पर बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स को इस प्रकार से मैसेज देते हैं कि वो इन घटनाओं को अंजाम दें। उसी का परिणाम है कि इस प्रकार से आज की जो हुई है। बीजेपी का आरोप है कि महबूबा मुफ्ती जैसी नेताओं के बयान से आतंकियों को संकेत मिलते हैं और फिर गैर मुसलमानों की हत्या शुरू हो जाती है। कविंद्र गुप्ता के आरोपों के पीछे महबूबा के ये बयान हो सकते हैं। तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है और उनको चाहिए कि जो उनकी जो पहली बारी में उनकी जो इमेज बनी है वो बहुत ही इंसानों के ख़िलाफ़ थी, ह्यूमनिटेरियन राइट्स के ख़िलाफ़ थी। और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। अगर ईमानदारी से इन हत्याकांडों के लिए कोई कल्प्रिट है तो मुझे लगता है कि उनमें महबूबा भी गिनती में शुमार होंगी। बीजेपी का यही आरोप है कि महबूबा ने तालिबान के नाम पर 21 अगस्त को जो धमकी दी थी और 8 सितंबर को तालिबान की जो तारीफ की उसका संदेश आतंकियों तक पहुंचाया और उसी तालिबानी डिजाइन पर आतंकी एक स्कूल में दाखिल होते हैं, हिंदू और सिख टीचर्स का पहचान पत्र देखते हैं और उन्हें गोली मार देते हैं। आज जो हत्या हुई है, दो हत्याएं हुई हैं, वो पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जब स्कूल के भीतर स्कूल टीचर्स को जो है गोली मार दी गई है। और ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहां पर दो टीचर्स, एक तो इस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो संगम है यहां की प्रिंसिपल सुखविंदर कौर और दूसरा दीपक चांद, उनको जो है गोली मार दी गई है और उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि आतंकवादियों का दुस्साहस देखिए कि दीपक चंद का मोबाइल साथ ले गए और फोन करने पर कत्ल की धमकी देने लगे। वो फोन यूज हो रहा है और मिलिटेंट के पास है, किसके पास है? बस हमें शर्म आ रही है कि हमारी सिस्टम कैसा है। मतलब 4 घंटे के बाद भी वो फोन ऑन हो रहा, वो हमें फोन पे धमकियां दे रहे हैं।
कश्मीर में हिंदू और सिखों को चुन चुन कर मारने की ऐसी ही घटना एक दिन पहले भी हुई थी, जिसमें श्रीनगर के मशहूर फार्मासिस्ट मक्खन लाल बिंदु और पानीपुरी के ठेले वाले वीरेंद्र पासवान को गोली मारी गई। हालांकि कश्मीर से गैर मुसलमानों को भगाने की 90 के दशक वाली साजिश के खिलाफ केंद्र सरकार हरकत में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बड़ी बैठक हुई है। विदेश मंत्रालय भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जाहिर की है। टेररिज्म जो पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे हमें बहुत चिंता है। इस विषय पर हम अपने सारे पार्टनर्स के साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हम लगाए हुए हैं और हर मीटिंग में ये जिक्र करते हैं और उसको हम कहते हैं कि इसमें क्या एफर्ट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेना चाहिए। वैसे पाकिस्तान की हकीकत दुनिया तालिबान के शक्ल में देख रही है, लेकिन खतरा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तानी मंसूबों को कश्मीर की जमीन पर खाद पानी देने वाले नेताओं से भी है। जम्मू से राजू केरनी और श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर में हुए हमलों को लेकर बड़ा सवाल केंद्र सरकार के ऊपर उठाया जा रहा है, क्योंकि 370, 370 और 35 की रट लगाने वालों के लिए हर हालात की वजह सिर्फ एक ही है। जबकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कुछ लोग यहां स्मृति नहीं चाहते, सबका हिसाब होगा। उस पार बैठे लोगों को यहां जो आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं, उनको जब ये सूचना मिलती है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, उनको जब ये सूचना मिलती है कि नहीं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहां आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इको सिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि बड़ी खबर है। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्र से पूछताछ होगी। यूपी पुलिस ने आशीष मिश्र के घर के बाहर नोटिस चिपका दिया है और कल सुबह 10 बजे पेश होने के लिए कहा है पूछताछ के लिए। तो पुलिस लगातार पहले भी यह कह रही थी कि अगर उसे साक्ष्य मिलेंगे तो जरूरी बुलाया जाएगा, और फिलहाल पूछताछ के लिए बुलाया है। आशीष मिश्र के घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है। तो आपने देखा इससे पहले भी कि जो कत्ल कश्मीर में हो रहा है, जहां सिख भी मारे जा रहे हैं, हिंदू भी मारे जा रहे हैं, वहां ना तो सिद्धू की कांग्रेस दिखाई पड़ती है ना दूसरा विपक्ष। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, जहां किसान आंदोलन के नाम पर एक उपद्रव की घटना को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, वहां नेताओं का तांता लगा हुआ है। तस्वीरों और खबरों में बने रहने के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पीड़ितों के घरों से लेकर सड़क और चौक चौराहे तक सारे नेता किसानों के हमदर्द, लोकतंत्र के रक्षक और संविधान के सबसे बड़े संरक्षक बने हुए हैं। लखीमपुर कांड में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से लेकर सड़क तक सियासत में क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट में दो वकीलों ने अर्जी दी थी। रजिस्ट्रार ने स्वतः संज्ञान के तहत अर्जी लिस्ट की और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांग ली। उधर समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक के नेता लखीमपुर के पीड़ितों के घर पहुंचे तो सिद्धू जैसे नेता सड़क पर हंगामा करते दिखे। जबकि लखीमपुर कांड की जांच करने के लिए बनाई गई एसआईटी ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यूपी के सहारनपुर बॉर्डर पर सिद्धू और उनके समर्थक लखीमपुर जाने के लिए दिन भर संघर्ष करते दिखे। शाम तक तमाम कांग्रेसी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया था। सिद्धू की लखीमपुर यात्रा अभी अधूरी है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लखीमपुर में भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और बहराइच जाकर भी मारे गए किसानों के परिवारों से मिले। इसी दौरान प्रियंका गांधी की तस्वीर देवी मंदिर में दर्शन पूजा करते हुए भी दिखाई पड़ी। खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी के दर्जनों गाड़ियों वाला काफिला जब बाराबंकी से गुजर रहा था तो किसी वाहन ने टोल नहीं दिया। उधर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव भी आज लखीमपुर के पीड़ितों से मिलने में कामयाब हो गए। अखिलेश ने पीड़ित परिवार को सांत्वना भी दी और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सभी परिवार के लोग न्याय चाहते हैं और जब तक सरकार में मंत्री गृह राज्य मंत्री बने रहेंगे और उनके बेटे पे आरोप हों तो न्याय नहीं मिलेगा। गृह राज्य मंत्री पहले इस्तीफा दें,
और उनके बेटे क्योंकि एफआईआर में नामजद हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो, ये हर परिवार के लोग चाहते हैं। और कम से कम गरीब को भरोसा बढ़ेगा कि एक ताकतवर आदमी के खिलाफ कार्रवाई हुई। अखिलेश यादव के अलावा बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र भी लखीमपुर में पीड़ित परिवार वालों से मिले और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। लखीमपुर कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 24 घंटे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कश्मीर को धरती की जन्नत कहते हैं लेकिन पाकिस्तान इसे आतंकवाद का जहन्नुम बनाने की साजिश रचता रहता है। कश्मीर में बेगुनाह नागरिकों को मारने वाली बंदूक, उसमें भरी हुई गोली और उसे चलाने वाले आतंकवादी सबके सब या तो पाकिस्तानी हैं या फिर वो पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाली कठपुतलियां हैं। कश्मीर में जिन 7 बेकसूर लोगों की हत्या हुई है उसकी साजिश भी पाकिस्तान में रची गई। आज से 3 दशक पहले 1990 में भी पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाया गया था और एक बार फिर पाकिस्तान उसी तरह का षड्यंत्र रच रहा है ताकि कश्मीर में एक बार फिर से अशांति छा जाए और नए कश्मीर के निर्माण ना हो। आखिर क्या है पाकिस्तान का प्लान के? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीर को जलाने की पाकिस्तानी साजिश। आतंकियों के बंदूक में पाकिस्तान का बारूद। पाकिस्तान की शह पर कश्मीर के लोगों का खून बहा रहे हैं आतंकी। पाकिस्तान को देना होगा हर बेगुनाह कश्मीरी की मौत का हिसाब। पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ भारत की कूटनीति। आतंकवादी है मोहरा, पाकिस्तान है चेहरा। पाकिस्तान धरती की जन्नत को बेकसूर लोगों के खून से रंगने के खतरनाक प्लान पर अमल कर रहा है। कश्मीर में आतंकवादी आम लोगों की हत्या कर रहे हैं। आतंकवादियों ने पिछले 6 दिनों में 7 लोगों को मार डाला है जिसमें कश्मीरी पंडित और महिला टीचर्स भी शामिल हैं। उस पार बैठे लोगों को यहाँ जो आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं उनको जब ये सूचना मिलती है कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, उनको जब ये सूचना मिलती है कि नहीं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान पैदा करने की एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इको सिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तानी आतंकवादी साजिश का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। एक तरफ जहां सेना और सुरक्षा बल कश्मीर में आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत ने कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान पर ट्रिपल अटैक किया है। पाकिस्तानी आतंकवाद पर भारत की कूटनीति। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में पाकिस्तान की पोल कुछ ऐसे खुली कि उसके लिए मुंह छिपाना मुश्किल हो गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के 2 वरिष्ठ राजनयिकों ने पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे पर पड़ी झूठ की परत को हटा दिया और उसकी हकीकत दुनिया को बता दी। उधर विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि कश्मीर में आतंकवादी हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। कश्मीर में जो हुई है घटना, हिंसा की जो आप बात कर रहे हैं लास्ट 4-5 दिनों में, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं हम लोग। इस तरह से निहत्तों को मारा जा रहा है, टारगेटेड है। हमें तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि इस टेररिज्म जो पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे हमें बहुत चिंता है। पिछले 3 दशक से भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब पाकिस्तानी सेना और ISI एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की आग को भड़काने की चाल चल रही है। सीमा पार से न सिर्फ आतंकवादी भेजे जाते हैं बल्कि ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई भी होती है। भारत ने दुनिया से अपील की कि वो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो। इस विषय पर हम अपने सारे पार्टनर्स के साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हम लगाए हुए हैं और हर मीटिंग में ये जिक्र करते हैं और उसको हम कहते हैं कि इसमें क्या एफर्ट्स इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेना चाहिए। पिछले 6 दिनों में कश्मीरी पंडितों समेत
7 बेगुनाह लोग कश्मीर में आतंकी हिंसा का शिकार हो चुके हैं। जब पाकिस्तान की शह पर आतंकवादी कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या की साजिश रच रहे थे, उसी समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के टेरर प्लान की सच्चाई दुनिया के सामने रख रहे थे। भारत कई दशकों से सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवादी संगठन सीमा पार से हथियारों की अवैध तस्करी करते हैं। आतंकवादियों के हाथों में ये हथियार और ज्यादा घातक बन जाते हैं। आतंकवादी इन हथियारों का इस्तेमाल जानबूझकर बेगुनाह नागरिकों की हत्या के लिए करते हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। विश्व समुदाय को चाहिए कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद की एक स्वर में निंदा की जाए। पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवादी जम्मू कश्मीर में बेकसूर लोगों की जान ले रहे हैं। पाकिस्तानी सेना POK के टेरर कैंप्स में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रही है, हथियारों से लैस कर रही है और आतंकवादी घाटी में कश्मीर के अल्पसंख्यकों की हत्या कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि कश्मीर को सुलगाने की उसकी साजिश कतई कामयाब नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.